अब एक और सवाल को देखते हैं, जैसे ऐसे ऐसे देखते जाएंगे ना, क्या होगा, हमारी कंसेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होता हुआ जाएगा, हम भूले हुए चीजों को फिर से हमें याद आ जाएगा, फिर हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब देखिए 33x-22 इज इक्वल टू 44। हमें क्या करना है, -22 को यहां से भगाना है, तो यहां माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब तो ये हम समझने लगे हैं। अब 44 को 22 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 66 होगा। तो 33x इज इक्वल टू 66। अब हमने क्या बोला कि 33 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 33 को अगर यहां से हटाएंगे तो क्या होगा, वो डिवीजन में चला जाएगा। डिवीजन का मतलब 33 नीचे, जैसे यहाँ पे डिवीजन का सिंबल करके दिया है, और अगर हम ऐसे बटे में लिखते हैं तो क्या होता है, 33 नीचे चला जाता है। 33 कहाँ चला जाता है, नीचे में। ये 66 डिवाइडेड बाई 33, 66 अपॉन 33, 66 बटे 33, सबका मतलब होता है 33 से हमें 66 को भागा देना है, तो 33 दूनी 66, तो 2 हमारा आंसर हुआ। अब फिर एक आते हैं, 10x-22 इज इक्वल टू 44। तो 10x बराबर क्या होगा, -22 को भगाएंगे तो +22 इधर हो जाएगा, तो -22 यहाँ +22 हो गया। 44 और 22 को जोड़ेंगे तो 66 होगा, यहाँ 10x बराबर 66। अब हमने बोला है क्या कि 10 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है जो दिखता नहीं है लेकिन बेसिकली है, तो 10 अगर इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो 66 डिवाइडेड 10 हुआ। अब 2 से काटते हैं, 33 दूनी 66, 10 को 2 से काटते हैं 5, तो 33/5 हुआ। यहां हमने जानबूझ के इसको आगे नहीं बढ़ाया, आगे के चल के हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो भी हम पकड़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इस बराबर क्या होगा, 5×6 मतलब 6×3/5 होगा। ये कैसे होता है आगे इस पे हम देखेंगे। चलिए एक दूसरा एक करते हैं, 5x-3 इज इक्वल टू 42। तो -3 है इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 42 और 3 45 हो गया। अब 5x है, यहां से x को रख के 5 को भगाएंगे तो क्या है, 5 गुणे के सिंबल में है तो ये भागा के सिंबल में मतलब नीचे चला जाएगा, तो 45/5 हो जाएगा। 5 से 45 को काटेंगे तो 5×9=45 आंसर हो गया। अब आते हैं 3x-3 इज इक्वल टू x+7। अब देखिए x को एक तरफ करना है और संख्या को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो देखिए 3x है इधर, x के सामने क्या है, यहां दिख नहीं रहा है लेकिन यहां प्लस है, यहां दिख नहीं रहा है तो भी ये क्या है, प्लस है। जब किसी संख्या के सामने कुछ नहीं रहता है तो उसे क्या मानते हैं, प्लस है। तो अगर अब x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यहां क्या था, जो दिख नहीं रहा था वो क्या था, प्लस। जब इधर आया तो क्या हुआ, माइनस। तो 3x-x हो गया। अब देखो 7 तो है ही है, यहां का 7 तो यहां लिख दिया क्या है कि, और -3 जो इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 7 और 3 10 हो गया, 3x से x गया तो 2x हुआ। 3x से x गया मतलब 3 10 रुपए के नोट से अगर 1 10 रुपए का नोट चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 x रुपए के नोट बचेंगे। तो इसी को हम बोल सकते हैं 2x=10। अब x बराबर क्या है, हम फिर से बोलते हैं 2 और x के बीच में गुणा का सिंबल है, इसलिए 2 जब आएगा 10/2 हो जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 होगा। सॉरी। अब आते हैं 6x-8 इज इक्वल टू 5-2x। अब देखिए -2x है, इधर आएगा तो क्या होगा, +2x होगा, क्योंकि मेरे को x एक तरफ रखना है, संख्या दूसरी तरफ रखना है। तो -2x इधर के लेके आया +2x, तो 6x+2x। अब -8 को भगाएंगे तो क्या होगा, -8+8 में हो जाएगा, 5 तो पहले ही से था, 5+8, तो 8x इज इक्वल टू 13 हो गया, 8 और 5 13। x बराबर क्या होगा, 13/8। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको मनी मन भागा देते हैं, 8 से 13 कितना बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 8×1=8, 1 लिख दिया। अब 13 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और नीचे क्या 8, तो मतलब 13।